नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बनाने जा रहे हैं होम जिम। अभी मैंने एक कांच सेटअप कर दिया है यहाँ पे। कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे नीचे ड्रिल करने के बाद मैं कुछ कीले लगा दी और साइड में कीले लगा दिए ताकि ये कांच जो मैंने लगाया है, दूर से दिखाता हूँ आपको, ये कांच जो मैंने लगाया है ये पूरी तरह से दीवार में फिक्स्ड हो जाए और ज़्यादा हवा चलने पर ये नीचे ना गिर जाए। ये है लोकेशन, इतनी बड़ी जिम के लिए हमें मिल जाएंगी। मैंने कांच वहाँ लगाया क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मेरे जो जितने भी डंबल्स आने वाले हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे, ये जगह। तो सामने हमें एक कांच मिल जाएगा और एक कांच मुझे यहाँ चाहिए इस जगह पे। मतलब यहाँ दो कांच भी हो जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। दो कांच यहाँ लगा देंगे और एक कांच हो ही गया वहाँ पे, दो कांच यहाँ हो जाएंगे। और मैं आपको कांच दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितने कांच पड़े फिलहाल। तो मेरे पास तीन कांच पड़े और ये पुराने पार्लर के कांच हैं और ये सब आप सामान देख सकते हैं, ड्रिल मशीन, लाइट, और ये मेरा प्यारा सबसे दुलारा ट्राइपॉड। और इसके ऊपर लगा रखी है मैंने LED लाइट और बांध रखी है येल्लो टेप ताकि ये मुझे अच्छे से लाइट दे पाए। एक्चुअली क्या है, ये मेरी टेबल लाइट है तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको आगे लगाता हूँ। हाँ जी, तो मैं जैसे ही जाने लगा दूसरा कांच लगाने के लिए, मम्मी आ गई और अभी टाइम हो रहा है और खाने का टाइम हो गया, तो पहले मैं खाना खा लेता हूँ फिर कांच लगाएंगे। That's my sugar test. That's not that much bad, yeah. ₹850 अगर आज होटल लिख देना भरा, इसमें लिख देना। तो वैसे चावल एक आध तो मंगा ले भरा, मेरे को नहीं पता ये उससे जुगाड़ लगा लो ना यार। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर उसमें क्या लगाएंगे 15 दिन अखबार में पड़ा कर गाड़ी जारी होगी। मैं वापस आऊंगा कल को, आपकी गाड़ी पड़ी रहेगी तो उससे थोड़ी खोलेंगे हम। मैंने लिया था ₹30 का, 30-40 का था। ये एक प्लास्टिक के उस बॉक्स में आया था, ₹30-40 का कांच है ये। उसके ऊपर मैंने ये जुगाड़ लगाया है टेप लगा करके क्योंकि कल मुझे बहुत ज़रूरत होंगी हाईवे पे ORVM की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरा ORVM कैसे टूट गया ड्राइवर साइड। तो मैं यहाँ से पीछे ले रहा था बैक साइड और मेरा ध्यान निकल गया और मेरा ये इस दीवार से टकराया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्के से निशान है, तो मेरा ORVM क्रेक हो गया था। वैसे ये इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा मुझे पता है क्योंकि धूप के अंदर ये कांच चमकेगा ज़्यादा, पर जुगाड़ है, कुछ ही दिनों की बात है और बाकी फिर हम ओरिजिनल कांच लगवा लेंगे। तो ये अभी के लिए जुगाड़ हमने इस तरह से लगाया है। 5 जुलाई 2020 को मैंने आप सभी को बताया था कि मैं भिलवाड़ा से जोधपुर जा रहा हूँ अपनी नई एस्प्रेसो VXI के अंदर, और 289 किलोमीटर का हमारा रहेगा सफर। पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये मेरा सफर भिलवाड़ा से जोधपुर तक सीमित नहीं था। हम जोधपुर से भी 122 किलोमीटर आगे गए थे देचू गांव के अंदर। भिलवाड़ा से देचू 349 किलोमीटर पड़ता है और 7 घंटे का रास्ता है। 7 घंटे का मतलब बहुत थकाने वाला रास्ता है। हम लोग भिलवाड़ा से ब्यावर होकर के जोधपुर गए थे और जोधपुर से देचू का हाईवे वैसे ही बहुत शानदार है, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम आया नहीं।
मैंने आपको कहा था कि मुझे शुभकामनाएं दीजिए हमारे अच्छे सफर के लिए जो कि आपने दी है। उन लोगों को मैं शाउट आउट देना चाहूंगा जो कि हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। आप लोगों की वजह से ही हमारा चैनल बना है। हीरादीप जी थैंक यू सो मच, जसमीत जी थैंक यू सो मच, विवेक जी थैंक यू सो मच, शोभित थैंक यू सो मच, संदीप जी थैंक यू सो मच, रतनलाल जी थैंक यू सो मच, नेहा डोमोलिया ये मेरे सिस्टर है बाय द वे, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। भिलवाड़ा से देचू जोधपुर का सफर हमारा शुरू हो गया है जो कि एक खूबसूरत सफर है। आप देख सकते हैं कि ड्राइवर साइड पे मेरे पिताजी बैठे हैं और को पैसेंजर ड्राइवर साइड पे मेरे जिया जी, मेरी माता जी और मैं पीछे बैठे हैं और हम बड़े आराम से बैठे हैं, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं आ रही है। मेरे पिताजी का अनुभव कार चलाने का अलग है, मतलब मेरे पिताजी ने नॉन पावर स्टीयरिंग कार भी चलाई है और पावर स्टीयरिंग कार भी चलाई है, तो उनका एक अनूठा सा कार चलाने का अनुभव है जो कि आपको इन वीडियो में देखने को मिलेगा। वो बहुत पास से निकला हमारे अभी। अब आइए आपको दिखाता हूं अपनी खिड़की में से कुछ नजारे। देख सकते हैं कि मेरे जियाजी की खिड़की खुली है क्योंकि हमें पेट्रोल बचाना है। वो ये भी बहुत पास से निकला हमारे। पानी की टंकी नीचे देखिए, नीचे नई रोड बन रही है। इस रोड पे बहुत सारे डाइवर्जन्स आने वाले हैं तो हमारा सफर वैसे ही धीमा हो चुका है। ये देखिए हमारा सैनिटाइजर रखा हुआ है और इसके पीछे खड़ी है हमारी एस्प्रेसो VXI और ये वक्त है हमारा फिलहाल खाना खाने का। ये वीडियो मैंने नहीं ली है खाना खाते हुए, पर मुझे मिल गई तो मैंने लगा दी है इसे वीडियो को। ये जो आप अनुभवी वीडियोग्राफी देख रहे हैं ये मेरे चड्डी के अंदर कैमरा ऑन रह गया था उसी के है, और अब मैं गाड़ी चलाने जाऊंगा। NH 48 हाईवे बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या पानी की कमी रहती है ना तो पेड़ों को किस तरह से लगाया जाता है वो दिखाता हूँ मैं भी आपको। यहाँ से हाईवे का पानी नीचे उतरता है, यहाँ जाता है इस जगह पे, और ये जो है बीच में नीम का पेड़ है, शायद पेड़ लगा हुआ है, इसके आसपास में पानी भर जाता है जिससे इसको मिट्टी को नमी मिलती है और नमी से ये पेड़ होता है बड़ा। आप देख सकते हैं कि सब दूर पीली मिट्टी है पर यहाँ पे काली मिट्टी है क्योंकि बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, और पानी जब भी इकट्ठा होता है ना, जब भी सूखता है पानी तो उसके निशान रहते हैं, ये वही निशान है। ऐसा यहाँ सब जगह पे है, अगर आप देख पाए यहाँ पे भी बना रखा है, और बहुत शानदार हाईवे ये। एक और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं सेम, ये जो पौधे है ना झाड़ काटे वाले, इनके जो फूल है काफी ज्यादा खूबसूरत है। देखिए वहां पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, और ये तो सब जगह है यहाँ तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा। अब हम फिर से पेट्रोल पंप जा रहे हैं, अभी फिर से पिताजी गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि मुझे रात को भी गाड़ी चलानी है आते समय। अब देख सकते हैं हमारी मिनिमम स्पीड 110 105 तक ही है, मतलब हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं इस स्पीड को। पीछे के कांच से लिए गए कुछ तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। अगर आपने हमारी फास्ट ट्रैक वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए, वो एक बहुत ही शानदार वीडियो है जिसमें मैंने फास्ट ट्रैक और ऑटो कार्ड के बारे में बताया है। अगर आपने मिस कर दिया है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और ये पुलिस वाले भाई साहब आप देख रहे हैं, ये है ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब जो कि हमारा चालान बना रहे हैं ओवर स्पीड कार चलाने के लिए। 400 रुपये का चालान बना है हमारा जो कि ओवर स्पीड का है। जिया जी तस्वीर लेते हुए, बड़ा मनमोहक सफर हमारा। बाहर निकलते थे सर झुलसा देने वाली गर्मी है, पर कार के अंदर बहुत अच्छी एसी थी, और एसी में इतना पता नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है। एस्प्रेसो की एसी अच्छी अच्छी कुछ कहना चाहेंगे? बढ़िया है, बढ़िया ऐसी है। पोखरनिया से 30 से 40 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर पोखरनिया से, तो
परमाणु मूवी के अंदर जो मिट्टी वगैरह जैसा गांव वाला सीन दिखाया गया था ना, वो सेम है यहाँ, सेम। देखिए इधर भी देखिए सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्योर राजस्थान में आके राजस्थानी मिट्टी, राजस्थानी मिट्टी का फुल आनंद लेते हुए एस्प्रेसो मोट के सर। आज पहली बार आए आप राजस्थान? राजस्थान में रहता हूँ। ये प्योर राजस्थान है। गाड़ी चलाना आसान बात नहीं है यहाँ पे। देखिए ऐसी जगह पे आपको अपनी एक्सेलेरेटर को फुल करना होगा, आप उसे फुल ही दबाइए। एक बार अगर आपका टायर रुका तो मतलब आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आपको भले ही ये बिल्कुल मजबूत रोड लग रही हो पर ये बहुत ही ज्यादा स्लिपी रोड है। अरे यार खुद ही चल रहा है आगे लगता है। ऑटोमेटिक कटती गाड़ी यहाँ पे। आपको गाड़ी काटने की जरूरत नहीं है। बाइक कैसे चलती होगी पापा जी यार? चलने दो चल ऊपर जाने। बारिश भी कहीं होता है? बारिश में तो ये बहुत जल्दी होता है। और हमारी एस्प्रेसो फंस गई है क्योंकि मैंने स्पीड को मेंटेन नहीं रखा, इसलिए हमारी एस्प्रेसो फंस गई थी। आपको अपनी एसी को बंद कर देना ऐसे मौके पे। एसी को बंद करो, गाड़ी रिवर्स लो, फिर जाकर के रेस दो, आपकी गाड़ी निकल जाएंगी। और ऐसे सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में आपकी गाड़ी फंस जाए। तो अभी मैं आपको मेरे पीछे बताऊंगा कि क्या है। आप देख सकते प्योर राजस्थान, ये जो मिट्टी है ना यहाँ की, मिट्टी बताता हूँ मैं आपको। ये जो मिट्टी है ना, ये आप सोच रहे होंगे टायर चलाया है तो इकट्ठी हुई, नहीं भैया, ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी धसी है अभी हवा से आई मिट्टी है। ये बिल्कुल पानी की तरह मिट्टी है, ये बिल्कुल बारीक महीन मिट्टी, बहुत अच्छी मिट्टी। और वेट भी है इस मिट्टी में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हल्की है, वेट वाली रेगिस्तान वाली मिट्टी है ये। और आप देख सकते हैं यहाँ, वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो पत्थर के बने हुए घर है, ये जो पत्थर रखा हुआ है 4,000 रुपये पर एक ट्रॉली का है। मतलब यहाँ घर बनाना बहुत ज़्यादा महंगा है भैया, है ना। 4,000 रुपये ट्रॉली इन पत्थर वाले घर के लिए, और मतलब बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हाँ, दूर से लानी पड़ती है, सीमेंट है, पर बनने के बाद उतना ही खूबसूरत लगता है और बहुत मजबूती से घर बनते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल को पाए तो कम भी नहीं, घरों का कुछ नहीं बिगाड़, इतने मजबूत खूबसूरत बहुत लगते हैं यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। देखिए उसमें चिमनी भी बनाई रखी है, मैं दिखाता हूँ। चिमनी दिखाइए, चिमनी दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना घर के ऊपर, ये चिमनी है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ जी, अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यार। ये मिट्टी कितनी प्यारी लग रही है यार, मतलब गजब, आप इसके गजब मिट्टी और झटको और साफ है। जैसे कि बोलते हैं ये मिट्टी अगर आपके पाँव पे गिर गई ना यूं, तो आपने यूं किया झटका, ये साफ, जबकि ये पेंट ब्लैक है, जबकि इस मिट्टी को चिपक जाना था, बाकी नहीं चिपकी, खूबसूरत नहीं, ठंडा ही है। चप्पल पहन रखी इन्होंने? नहीं, चल रहा है, अरे चल रहा है। जला 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 वो थोड़ा देर से जला पर जला जरूर, खूबसूरत है काफी। लाल पत्ते गरम नहीं होते?
नहीं यार नहीं गर्म है बिल्कुल नहीं, मेरे को नहीं लग रहा इतने गर्म नहीं है पत्थर। शायद यही इन पत्थरों की खासियत है कि ये इतने गर्म नहीं होते, बाकी टेम्परेचर मतलब पसीने छुटाने वाला है बाहर, पर ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, मैं आराम से हाथ लगा पा रहा हूँ। बल्कि जो रेत है ये रेत ज्यादा गर्म है पानी की टंकी। ये धूड़ मिट्टी है, मेरे को तो वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा है। 7 किलोमीटर दूर और यहाँ हमारी एस्प्रेसो मारुति सुजुकी एस्प्रेसो यहाँ तक लेके आए हम, तो आप सोच सकते हैं कि एस्प्रेसो कहाँ कहाँ तक जा सकती है। और अब हम जा रहे हैं दोबारा से भिलवाड़ा हमारे घर पे। छोटी छोटी भेड़े आप देख सकते हैं और अब हम जाने वाले हैं सोने। मैं पीछे इतना कंफर्टेबल होके नहीं सो पा रहा था, इसीलिए मैं आगे आ गया, लेग रूम ज्यादा मिल गया और हम वापस गए सोने। दोबारा से जब मेरी आंख खुली तो हम पेट्रोल पंप आ चुके थे पेट्रोल भरवाने के लिए। 6:16 सो फिलहाल है अभी हम पेट्रोल पंप पे HP के और अभी मैं जा रहा हूँ शौचालय की तरफ। यहाँ की एक बात आपको बहुत अजीब लगेंगी, मतलब आप कार से जैसे ही बाहर निकलते भले ही यहाँ शाम दिख रही होंगी आपको, पर बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अंगड़ाई लेते हुए मैं अपनी T-shirt. Hey guys, I know you like my new T-shirt. If you like it, then go and check it out. Fort Collins new upcoming sale. Link in the description. Go and buy. Back to the video, man. तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ है जोधपुर स्वीट होम, यहाँ से हमने घेवर लिया है और अभी ब्रेड ऑमलेट विद चाय। मेरा थैंक यू बोलना कट गया था वीडियो में, रात को मैं ही चला रहा हूँ कार को। जोधपुर से ब्यावर तक ठीक ठाक हाईवे है, पर ब्यावर से भिलवाड़ा वाले हाईवे में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन बन रहे हैं, तो आप इतने अच्छे से कार को नहीं चला पाते। इस पुल पर बहुत सुंदर लाइटिंग लगी थी, इसलिए हम इसे फिल्मा रहे हैं और ये कुछ आखिरी क्षण होने वाले हैं इस वीडियो के। तो आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। बज के 5 मिनट रात के आपके लिए वीडियो का काम करके सोने जा रहा हूँ। अगर सुबह लेट हो जाए वीडियो आने में टेंशन मत लेना, बस लाइक कर देना यार, लाइक कर देना। चलते जी, राम राम।